सरकार के लिए कटोरा। कटोरा। पाकिस्तान में मुसलमानों का जर्फ बताऊं, सबसे बेहतरीन बात बताऊं आपको एक चीज, कि यहाँ पर एजुकेशन छोड़े, हर चीज छोड़े, सबसे ज्यादा जिंदगी में क्या जरूरत है, खाना पीना ना। खाना पीना तो मतलब एक नीड है, बहुत जरूरी है। 50 से 70 रुपए किलो वो थे टमाटर, 150 रुपए किलो कर दिए, और मिर्चे सिर्फ 30 रुपए पाव थी, 80 रुपए पाव कर दी। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि हमारे यहाँ 7 लाख 8 लाख महिलाओं पर तो टैक्स में कोई पैसा ही नहीं लगता है, जो हम लोग आईटीआर पे करते हैं। कहती हूँ पत्ता पूरा अगर 100 का है ना, वहां पर 200 तो कुछ रुपए का मिल रहा था, कि तो आप इतना सोचिए, डिफरेंस है पाकिस्तान और कश्मीर में। तो हम अगर आप जिन्ना के जमाने से देखिएगा अनम, तो पाकिस्तान हमेशा आ, आ, बहुत महंगा रहा है, बहुत महंगा। पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने घुटने टेक दिए और 2.15 अरब डॉलर्स की जो है वो टैक्सेस, जो पाकिस्तानी आवाम पर, अफसोसनाक न्यूज। पाकिस्तान के जो पहले 10 लाख प्लस लोग अर्न करते थे पर मंथ, उन पर 35% टैक्स लगता था। अब 10 लाख नहीं, 5 लाख प्लस जो पर मंथ अर्न कर रहे हैं, उन पर 35% टैक्स लग रहा है, और जो 3 लाख से 5 लाख के दरमियान दरमियान होंगे, उन पर 27 पॉइंट समथिंग लग रहा है। तो जो प्रॉपर्टी जो इन ले रहे हैं, घर वगैरह इस टाइम पे, उनके ऊपर भी टैक्सेस बहुत ज्यादा लगा दिए हैं। अब हमारे इसहार डाक ने कहा है कि भाई पाकिस्तान जो इस टाइम सिचुएशन है वो 2013 की बन रही है। अल्लाह ना करे 2013 में अगर पाकिस्तान के हालात 2013 में जैसे थे अब होते हैं, तो और मजीद बदतर सिचुएशन हो जाएगी। इस पर आपकी क्या राय है कि पाकिस्तानी आवाम जो अभी इस सारी सिचुएशन को झेल रही है, हम देखते हैं युआन के अंदर जो मसला हुआ, लोगों ने इतने पैसे इन्वेस्ट किए, और फिर मैं कह सकती हूँ कि जो हादसा हुआ, अल्लाह की तरफ से ही हुआ हादसा, लेकिन लोगों ने, बहुत ही गरीब लोग थे जिन्होंने 25 30 35 लाख इन्वेस्ट किया और जा रहे थे अपने घर बार का अच्छा सोचने के लिए, बट जो भी हुआ, लेकिन हुकूमत ने उसके लिए भी कोई खास इकदाम नहीं उठाया। तो इस पर आपकी क्या राय है, इस टाइम पाकिस्तान सिचुएशन क्या लग रही है आपको? गरीबों के हिसाब से पाकिस्तान का कभी भी कोई काम रहा नहीं है। गरीब को, गरीबों को, पसमांदा लोगों को और पिछड़े हुए लोगों को नजर में रखते हुए पाकिस्तान ने कभी किसी चीजों को की शुरुआत की नहीं है। जैसे आज के आज हमारे हिंदुस्तान में आप देखिएगा तो गरीब से गरीब इंसान भी अच्छी एक सिविलाइज जिंदगी जी लेता है, जस्ट बिकॉज के यहाँ पर चीजें सस्ती भी मिलती हैं और चीजें महंगी भी मिल जाती हैं। अगर आप जिन्ना के जमाने से देखिएगा तो कभी भी पाकिस्तान ने पसमांदा, पिछड़े हुए लोग जो बहुत ग्रामीण एरिया में रहते हैं, आपके पाकिस्तान में गांव खेड़े में रहते हैं, ऐसे लोगों को नजर में रखकर या ऐसे लोगों को मद्देनजर रख करके आपके पार्लियामेंट से कभी बिल पास नहीं हुआ, आपके पार्लियामेंट से इन्फ्लेशन, राइजिंग इन्फ्लेशन को रोकने का कभी काम नहीं हुआ था। आप सोचो कि जो गाड़ियां हम 5 लाख में खरीदते हैं, वही गाड़ियां आप 18 लाख में खरीदते हैं। जो मोबाइल फोन हमारे यहाँ गरीब लोग 5 5 हजार 6 हजार में खरीद लेते हैं, वो मोबाइल फोन आप 25 हजार में खरीदते हैं। जो साबुन हम 5 रुपए में खरीदते हैं, वो साबुन आपके यहाँ 25 रुपए में बिकता है। जो ब्रांडेड चीजें हमारे यहाँ हम एकदम रियल कॉस्ट प्राइस में खरीद लेते हैं, वो चीजें आपके यहाँ डबल और ट्रिपल दाम में मिलती है। अब मैं आपको एक इतिहास की चीज बता देती हूँ कि हमारा हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां से कॉटन कपड़े बोलिए, जहां से खादी के कपड़े बोलिए, जहां से हैंडलूम के कपड़े बोलिए, जहां से तांत के कपड़े बोलिए, ये हमारे हिंदुस्तान का ही है। और वेस्ट बंगाल में तांत, हैंडलूम, इन सब चीजों की का तो पूरा का पूरा चाश होता है, पूरी पूरी फैक्ट्रीज भरी पड़ी हुई है यहाँ पर, या जो रुई हम करते हैं वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। तो जो हिंदुस्तान में हमेशा इरिगेशन बोलिए, कल्टीवेशन बोलिए, इन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। हमारे हिंदुस्तान में खेती को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आप यकीन माने कि हमारे यहाँ ना रहने की जगह की कमी है और ना ही खेती की कमी है। आप जब हिंदुस्तान स्टार्ट कीजिएगा, आप देखिएगा कि खेत है तो खेत है, और जिसके लिए हमारे यहाँ कई योजनाएं भी आई, जय जवान जय किसान आया। अभी देखिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने हैंडलूम एंड वेवर सेल भी खोल दिया, हैंडलूम एंड वेवर सेल,
मतलब कपड़ों के लिए भी एक अलग मोर्चा बना हुआ है हैंडलूम का, हैंडलूम को प्रमोट करने के लिए। हैंडलूम में अगर कोई व्यक्ति है या कोई उसमें बिजनेस करना चाहता है तो वो उसको प्रधानमंत्री की योजनाओं से काफी सहूलत मिल सकती है, इनिशियल अमाउंट मिल सकता है ताकि वो उसको स्टार्ट कर सकता है। तो कम से कम मतलब आप हमारे हिंदुस्तान में अगर किसी के पॉकेट में 10,000 रुपए भी है तो वो अपना कारोबार स्टार्ट कर सकता है। करने वाले 10 करोड़ में भी कर रहे हैं, मिलियन में भी कर रहे हैं, ये हमारे देश में ही है, टाटा है, अंबानी है, ऐसे लोग हमारे देश के ही हैं। तो आपके पाकिस्तान ने कभी भी जनता के बारे में सोचा नहीं है। जनता के बारे में अगर सोचा जाता तो पार्लियामेंट के अंदर बहुत बहस होता, बहुत बहस होती, बहुत कन्फ्रंटेशन होता, बहुत आर्ग्यूमेंट होता और जनता के लिए एक लोक अदालत होती। पर आपके पाकिस्तान में कहीं पर भी लोक अदालत बोल करके कुछ भी नहीं है, या आपके हिंदुस्तान में कभी भी पब्लिक के वॉइस के लिए जो एक ड्रॉप बॉक्स होता है हर एक सरकारी दफ्तर के बाहर में, वो चीजें कभी भी नहीं है। पर यह चीज हमारे हिंदुस्तान में फैसिलिटीज है। तो जो छोटी से छोटी चीजें बोलिए या बड़ी से बड़ी चीजें बोलिए, आपके यहाँ देखिए कोविड का इंजेक्शन अभी तक नहीं बना, अभी तक नहीं बना। आपके पाकिस्तान में मोबाइल की फैक्ट्रीज है ही नहीं, आपके पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन डॉक्टर्स है ही नहीं, आपके पाकिस्तान में कोई बहुत बेहतरीन मेडिकल हॉस्पिटल्स है ही नहीं, आपके आपके पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल्स या मेडिसिन के लिए बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज होती हैं वो है ही नहीं। तो जो कॉफ सिरप हम यहाँ पर 50 रुपए में खरीद रहे होते हैं, वही सेम कॉफ सिरप आप अपने पाकिस्तान में वहां पर 200-250 रुपए में या 222 रुपए में शायद खरीद रहे होते हैं, जितना मेरा इंफॉर्मेशन है। तो आप सोचो कि मैं 50 में खरीद रही हूँ, आप 222 में खरीद रहे हैं एमआरपी। तो ये सब बहुत बड़ी चीजें हैं, ये सब सोचने की बहुत बड़ी बातें हैं। आपने कहा है कि इंडिया में लाइक 50 की चीज है तो हम 250 में खरीद रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बताती चलूं कि पाकिस्तान में मेरा मतलब एक आप समझ ले कि एक्सपीरियंस हुआ था। हम लोग कश्मीर गए थे तो तबीयत खराब हुई, मेरा स्टमक को थोड़ा सा मसला और था खाने की वजह से, तो वो वहां से ना हम लोगों ने कहा कि ये दे दे। तकरीबन पाकिस्तान में मैं कहती हूँ पत्ता पूरा अगर 100 का है ना, वहां पर 200 तो कुछ रुपए का मिल रहा था। कि इतना डिफरेंस है पाकिस्तान और कश्मीर में। तो हम लोगों ने कहा कि ये क्या है, तो आगे से उन्होंने कहा कि भाई जब आते हैं ना तो टैक्सेस वगैरह यहाँ पे बहुत ज्यादा लग जाते हैं कश्मीर आते आते। देखिए हमारा हिंदुस्तान अभी तो मतलब विदेश लोग अंदाजा करे आप यहाँ से, अभी हमारे हिंदुस्तान के लिए तो विदेशों ने सोचना स्टार्ट किया है कि इन्होंने कहाँ से एप्स लाया, जो यूपीआई पेमेंट जो है, गूगल पे जो है, फोन टू फोन पे जो है, वो हमारे यहाँ फ्री में होता है, हमें कोई उसका एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं देना पड़ता है। बिल्कुल। तो अब तो विदेशों ने सोचा है कि ये ऐप्स लाए कहाँ से हैं ये। तो हर एक छोटी से आलू बैंगन से लेकर के आप जितनी बड़ी से बड़ी चीजें, आप फैक्ट्रीज देखो, कोई भी चीज देखो, मील्स देखो, तो हर चीजें हमारे यहाँ बहुत सस्ती होती हैं। हर चीजें हमारे यहाँ गरीब जनता, अमीर जनता, हर एक को नजर में रख करके यहाँ पर बनाया जाता है, हर एक को नजर में रख करके, हर एक तबके के लोगों को सामने रख करके उस हिसाब से चीजें निकाली जाती हैं। तो ये सारी चीजें बहुत बहुत मायने वाली हैं। हम देखो 7.79% हाईएस्ट अगर हम सीपीआई हिट करते हैं तो 7.79%, आप कितना हिट करते हैं 37.97%। हमारे यहाँ 7 लाख 8 लाख महिलाओं पर तो टैक्स में कोई पैसा ही नहीं लगता है, जो हम लोग आईटीआर पे करते हैं, इनकम टैक्स फाइल पे करते हैं। ये थैंक्स टू निर्मला सीतारमन जी कि जो भी महिलाएं हैं, महिलाओं को हमारे इनकम टैक्स रिटर्न में बहुत फैसिलिटीज दी गई है, बे इंतहा फैसिलिटीज दी गई है। तो बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में हम पाकिस्तान ने कभी सोचा ही नहीं है। देखिए आपके पाकिस्तान में शरिया लॉ, इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक कंट्री करके कभी भी उन्होंने एडुकेशन पर बच्चों को या वहां के युवाओं को सबसे ज्यादा रुझू करने की कोशिश ही नहीं करवाई। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि एडुकेशन बढ़ेगा तो गरीबी घटेगी, एडुकेशन बढ़ेगा तो क्राइम घटेगा। एनीवेज पाकिस्तान कभी क्राइम घटाना नहीं चाहता है, बट एटलीस्ट अपने देश को तरक्की की राह पर लेकर जाने के लिए युवाओं को एडुकेशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी ना। आपको मैं एक बात बता देती हूँ कि मेरे हिंदुस्तान में मैंने जिस स्कूल में पढ़ाई की है, मैंने गवर्नमेंट स्कूल में, ऑर्फन स्कूल में पढ़ाई की है, उर्दू स्कूल में मैंने पढ़ाई की है, तो उस गवर्नमेंट स्कूल में मेरा साल का पैसा खर्च होता था, जी
मेरा साल का पैसा जो खर्च होता था, मेरे मेरे मैं जो फीस पेमेंट करती थी पूरा ईयरली, वो 475 रुपए, 475 रुपए। और ये चार सौ जी और ये 475 रुपए में मैं क्लास 10 तक पढ़ी हूँ, क्लास 10 तक, जहां हम लोगों को स्कूल में ब्रेड भी मिलता था ब्रेकफास्ट, क्योंकि मॉर्निंग स्कूल होती थी हम लोगों को 6 बजे, 6:20 में, मुझे आज भी याद है टाइम के, 6:20 में प्रे में खड़ा हो जाना पड़ता था। और मेरा जो स्कूल था वो उर्दू स्कूल था, तो वहां पर नात नात पढ़ाई जाती थी, एक दाना खिलाकर शैतान ने आदम को निकाला जन्नत से, एक दाने पे इतनी नादानी अंजामों को इंसान भूल गए। ये मैं आपको क्लास 1 की बात बता रही हूँ जो मुझे आज भी याद है। तो आप सोचो अच्छा हो कि जो जिस हिंदुस्तान में शिक्षा इतनी इतनी इजी होगी, फिर हमारे यहाँ स्कॉलरशिप होता है, फिर यहाँ पर जो ऑर्फेन बच्चे होते हैं उनके लिए तो पूरी 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 फीस ही माफ हो जाती है, फिर यहाँ पर एमएलएस के कोटे होते हैं जो गरीब लोग जाकर के फीस माफ करवा लेते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कोटेज होते हैं जिसमें बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में गरीब के बच्चों को लेटर पर मिल जाता है, फिर यहाँ पर सेंट्रल से बहुत सारे केंद्र विद्यालय के कोटे आते हैं जिसमें गरीब बच्चे जो इंटेलिजेंट है उनको स्कॉलरशिप में पढ़ा दिया जाता है, तो यहाँ पर आईएएस आईपीएस भी स्कॉलरशिप में बन जाता है। हमारे यहाँ हर एक बहुत स्कूल में, हर कॉलेज में, हर एक यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी होती है जिसमें सिर्फ आपको लाइन लगा करके लाइब्रेरी का कार्ड बनाना पड़ता है। बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, मैजिस्ट्रेट बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से पढ़ के बन जाते हैं, क्योंकि इतनी महंगी किताबें खरीदना खरीदने की औकात सबकी नहीं होती है, अनम सबकी हिम्मत नहीं होती है। तो आप सोचो कि हमारे यहाँ वहां पर आप बात करी हैं कि एजुकेशन और इन चीजों की, तो मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में मुसलमानों का जर्फ बताऊं, सबसे बेहतरीन बात बताऊं आपको एक चीज, कि यहाँ पर एजुकेशन छोड़े हर चीज छोड़े, सबसे ज्यादा जिंदगी में क्या जरूरत है, खाना पीना ना, खाना पीना तो मतलब एक नीड है, बहुत जरूरी है। तो आपको मैं एक चीज बताती हूँ कि अभी ईद आई नहीं है, कल ईद है, कल ईद का इवेंट है, और मेरे बाबा कल मुझसे बात कर रहे थे, ऐसे डिस्कस कर रहे थे, कहते हैं कि हम लोगों की इतनी ज्यादा, देखो कि हम लोगों ने 50 से 70 रुपए किलो वो थे टमाटर 150 रुपए किलो कर दिए, और मिर्चे सिर्फ 30 रुपए पाव थी, 80 रुपए पाव कर दी। अब यहां से अंदाजा लगाएं कि हम लोगों का जड़, हम लोगों की मतलब कितना ज्यादा हम लोगों का बेहतरीन एक इम्पैक्ट है, मुसलमान ही मुसलमान पर कितना जुल्म कर रहा है। मतलब बेचने वाला भी मुसलमान है और खरीदने वाला भी मुसलमान है, और जो आपके आपकी कंट्री है वो इस्लामिक कंट्री है, लेकिन उसको पता है कि कल बकरीद है तो हमें इसको इसको ट्रिपल दाम में बेच रहा है, हाँ तो इट्स सही बेटर कि बात है, हमारा क्योंकि इंडिया। जरूरत जिंदगी है, मजबूरी है, हर कोई लेगा, और इनकी वो अच्छी खासी दिहाड़ी बन जाएगी, मजबूरी है, कल सबने लेना है सामान, सब लेंगे, लेकिन क्या चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, और मजबूरी के चलिए तहत हर कोई ले रहा है, कोई आवाज उठाना नहीं है। अब मैं आपको एक इंसिडेंट आज का ही बता देती हूँ। आज मुझे बहुत लेट हो गया था ऑफिस से निकलते वक्त, अपने चेम्बर से निकलते वक्त, एज ऑफ सडन मुझे याद आया कि मैंने तो अपने बेटे और अपने पापा का कुर्ता दर्जी से लिया ही नहीं है, और जो वो जिस अच्छा टेलर को मैं देती हूँ उसी के यहाँ से मैं कपड़े भी ले लेती हूँ और वही सिल के भी दे देता है। अब मैंने उनको फोन किया है 9:40 में, और वो भी मुसलमान, आप सोचो, वो भी मुसलमान, अच्छा उन्होंने भी पूरी तैयारी करनी है कल की, और मर्दों के ऊपर बकरीद में ज्यादा थोड़ा प्रेशर होता है। मैंने उनको फोन किया है 9:40 में, और मेरे चैम्बर से उनके शॉप का जो डिस्टेंस था वो 40 मिनट्स का था। मैंने उनको कहा कि भैया मैं तो एकदम से भूल ही गई थी, अब क्या करें। उन्होंने कहा है कि मैडम मैं भिजवाऊं, तो मैंने कहा नहीं आप, अब ये ज्यादा हो जाएगा अगर मैंने ऐसा कर दिया आपके साथ, तो मैं आ रही हूँ खुद लेने के लिए। अरे आप आएंगी? मैंने कहा कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे 40 मिनट्स लगेगा, क्योंकि मैं जस्ट अब मैं सीढ़ियों से उतर रही हूँ अपने चेम्बर से, तो ही नोज मेरा चेम्बर का एड्रेस। तो वो कहे, और वो पता है आपको, मेरा पैकेट पकड़ के दुकानें बंद करके बाहर में खड़े होकर के 40 मिनट उन्होंने इंतजार किया है,
और जैसे ही मेरी गाड़ी आई उन्होंने मेरे को दोनों पैकेट दिया और कहा कि मैम आराम से ईद मनाइए, बच्चे को पहनाइए, अपने पापा को पहनाइए, और उसके बाद सोमवार के दिन आप ड्राइवर को भेज के पेमेंट करवा दीजिएगा। दिस इज माई इंडिया, दिस इज माई इंडियन मुस्लिम्स। ये आज का इंसिडेंट है और अगर ये न्यूज वो देखेंगे ना शायद उनके दिल से दुआ निकलेगी कि सच में मैंने उनकी इस नेकी को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है। देखिए हम आज भी एपीजे अब्दुल कलाम को इज्जत देते हैं, हम आज भी ऐसे मुसलमान को इज्जत देते हैं जो वाकई में हमारे हमारे मुसलमान होने पर फक्र महसूस करवाता है। बहुत छोटी सी घटना है लेकिन आप सोचो कि फेस्टिवल उनके लिए भी है और फेस्टिवल मेरे लिए भी, और उनको पता था कि ये बहुत बिजी शेड्यूल में रहती हैं तो उन्होंने ये लिहाज रखा। तो ये है हमारे इंडिया का प्यार, ये है हमारे इंडिया की मोहब्बत। आप देखें यही तो फर्क है कि पाकिस्तानी आज तक आगे क्यों नहीं बढ़ सके, क्योंकि एक आगे बढ़ने की कोशिश करता तो दूसरा पीछे से उसकी टांगे खींच लेता है कि भाई ये क्यों आगे बढ़ेगा, मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, वो पिछले, फिर तीसरा भी ऐसे ही करता है। तो एक एक करके सारे ये सब कुछ कर रहे हैं, तभी तो पाकिस्तान के हालात ऐसे है। इवन ऑफिशियल लेवल पे आप देख ले 30 सालों के ज्यादा हो गया, एक खानदान छोड़ ही नहीं रहा जान पाकिस्तान की, दूसरे को मौका ही नहीं देता, आया भी दूसरा तो क्या हुआ, मतलब यही तो सब कुछ चल रहा है। तभी तो पाकिस्तान नेपोटिज्म तो हमारे मोदी जी ने हटाने का बीड़ा उठाया है ना, कि हम किसी चीज में नेपोटिज्म नहीं रहने देंगे। अच्छा दूसरी चीज मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो चीज आपने बताई है ना, ये मुसलमान के रगों में, ये जन्म से अधिकार है जलना इनका, और दूसरे से दूसरों से जल जल करके ये हमेशा टांग खींचते हैं। पर उसी भीड़ में जो अच्छे मुसलमान है उनकी तारीफ मुंह से हमारे निकल ही जाती है, हम उनकी तारीफ करते हुए नहीं रुकते, लेकिन जो इस टाइप के मुसलमान है, अच्छा वो औरत आगे बढ़ रही है बस उसके चरित्र को बुरा बोल दो, अच्छा वो मर्द आगे जा रहा है उसका बिजनेस अच्छा जा रहा है बस उसको किसी भी तरीके से नीचे पीछे खींचना है। ये मुसलमान इस टाइप के जो डायबॉलिक माइंड के मुसलमान होते हैं, जो जलन खुट्टे टाइप के मुसलमान होते हैं, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये ऐसे मुसलमान होते हैं जन्म होते हैं। ये फर्क पड़ता है एडुकेशन से, अब मैं फिर एडुकेशन पर आऊंगी। ये जो हमारा सर्कल जैसा होता है ना, हम क्यों बोलते हैं जैसा देश वैसा भेस, हमारा सर्कल अगर हम अच्छों के बीच में बैठेंगे तो हम अच्छे होंगे, अगर हम गधेड़ों के बीच में बैठेंगे तो हम गधे ही हो जाएंगे। मैं अगर 10 दिन किसी जाहिल के बगल में बैठूंगी ना तो मेरे बातचीत करने का तरीका, मेरे पहनने ओढ़ने का तरीका, मेरे सिविलाइजेशन में हर एक चीज में कुछ ना कुछ नजर आ ही जाएगा। पर मैं अपने से ऊपर लोगों के साथ बैठूंगी तो मैं उनकी चीजों को सीखने की कोशिश करूंगी कि अरे ये तो मेरे से ऊपर है। मैंने हमेशा कहा है कि आज मुझे कहा, आप लोग सब कहते हैं कि मैं अच्छा बोलती हूँ, पर मैं कहती हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में जो हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की महान नेत्री सुषमा स्वराज जी जो स्पीकर थी, ना ऐसी कोई जन्म हुई थी, ना हुई है और ना होगी। आज भी मैं सुषमा स्वराज जी की एक स्पीच हर रात सुनती हूँ, मुझे एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो जिस हिसाब से लोकसभा के अंदर अपनी स्पीच रखती थी ना, आप यकीन माने कि तब हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ भी नहीं करती थी, पर अपोजिशन के लीडर्स उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर्स सब चुप हो जाया करते थे कि उनकी स्पीच हमने सुननी है। जो विरोधिता करते थे वो भी चुप हो जाते थे कि नहीं इनकी तो स्पीच हमने सुननी है, क्योंकि वो बोलती अच्छा उस स्पीच में तहजीब, तमीज, रिस्पेक्ट, एस्पेक्ट, हर एक चीजें होती थी। ऐसा नहीं है कि बस जैसे ही बोल देना है, जैसे आपके यहाँ पाकिस्तान में शाजिया मर रही, मुंह में लाइसेंस ही नहीं है, तमीज से कोई वास्ता ही नहीं है कहने को इस्लामिक कंट्री की वो मंत्री है। पर आप अगर सुषमा स्वराज जी के क्या आप एक भी स्पीच सुनेंगी ना, आप उनकी फैन हो जाएंगी, आप लिटरली उनकी फैन हो जाएंगी, और आपको हर वक्त लगेगा कि एक और सुन लेते हैं, एक और सुन लेते हैं। मतलब इतना बैरिकेड्स वो रखती थी रिस्पेक्ट का, अगर वो अपोजिशन को भी हिट करती थी तो वो रिस्पेक्ट के दायरे में। तो उससे ये हमारे घर की अपब्रिंगिंग, एडुकेशन समझ में आता है। और शिक्षा एक ऐसी चीज है ना जो हर चीज, हर एक मसले को सॉल्व कर देती है। आपके पाकिस्तान ने कभी भी राइजिंग इन्फ्लेशन पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है ना कि हम भीख मांग मांग करके लेकर आएंगे, हम वहां जाकर के बंगला बनाएंगे, उस कंट्री में अपना जायदाद बनाएंगे,
उस कंट्री में जाकर के अपना अपना पूरा कारोबार सेट कर लेंगे, पाकिस्तान की जनता भीख मांगे, हमने क्या फर्क पड़ता है। पर ये हिंदुस्तान में नहीं है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की जनता को अपना परिवार मानते हैं, तो परिवार को कौन भूखा रख सकता है? जिस दिन जनता परिवार बन जाता है तो परिवार को तो कोई भूखा नहीं रख पाता है ना। तो दिस इज द रीजन ना कि आज भी हमारे हिंदुस्तान में मात्र 40 रुपए में अच्छा थाली मिल जाता है, वेजिटेरियन अच्छा थाली मिल जाता है, सिर्फ 40 रुपए में पेट भर के लोग खाना खाते हैं। तो दिस इज माई इंडिया ना। और आपने 40 रुपए की बात की है, मैं आपको बताऊं, रात को ही मैंने ऑर्डर दिया उसका पिज्जा और बर्गर का ना, तो 2500, मतलब पर बर्गर जो है वो 300 का था पर बर्गर, और मैंने 5 बर्गर और एक मीडियम पिज्जा मंगवाया था, तो देन 2500 उसने, 2550 रुपीज उसने बिल बनाया कि ये आपका बिल। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी अनम, कि जो घमंड और जो तकबर और जन और अपने अवाम को पाकिस्तान ने धोखा दिया है, वो धोखे का कर्ज लगा है पाकिस्तान की सरकार को। एक्चुअली में देखिए, अवाम अपने मुंह से कुछ निकाले या ना निकाले, बेचारी मजबूर है, बेचारी जिस कश्मकश में जी रही है, बोले तो फायदा क्या है, ना बोले तो दिल में एक सफोकेशन भी महसूस होता है। मैं समझ सकती हूँ कि अवाम बोलना चाहती है, खुलकर बोलना चाहती है, पर जिस तरह का वहां पर अफरा तफरी का माहौल बनाया हुआ है वो वहां की अवाम के मुंह को बंद कर देता है। पर कुछ लोग बहुत बेबाक बोलते हैं वहां के भी। तो आपके पाकिस्तान की सरकार के लिए, अवाम नहीं, अवाम, मैं हर देश की अवाम से बहुत मोहब्बत करती हूँ और खास करके गरीब अवाम से, तो पाकिस्तान की सरकार के लिए कटोरा कटोरा, और ये कोई मामूली कटोरा नहीं है, ये आने वाले वक्त में भीख मांग करके पाकिस्तान देश चलाने में आपके प्रधानमंत्री को बहुत काम आएगा। अभी फिलहाल उन्होंने मैम, अपना पोर्ट बेचा है, अभी फिलहाल उन्होंने अपना पोर्ट बेचा है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी आवाम से ज्यादा इनको ये कटोरे की जरूरत ऑफिशियल को है हमारे? नहीं, मैं आवाम को बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, मैं तो पाकिस्तान की सरकार को दे रही हूँ, बिल्कुल अच्छा नहीं। मैंने अपनी साफ लफ्जों में कहा है कि आपके पाकिस्तान की सरकार को आवाम से मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। गरीब जनता का क्या क्या गलती है, सरकार उनको जीने नहीं दे रही है? ये पाकिस्तान सही की बात, सरकार के लिए, आपके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और बिल्लो रानी के लिए है, जो खुद तो अय्याशी कर रहे हैं पर जनता को भूख मार रहे हैं। अभी तो उन्होंने पोर्ट बेचा है, अभी पता नहीं और क्या क्या बेचना पड़ेगा। तो ये कटोरा मेरी तरफ से, हिंदुस्तान की बेटी की तरफ से उनको तोहफा है कि अब अपने आकाओं से भीख मांगेंगे तो आराम होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कटोरा भी पाकिस्तान का बेच दे वो, तो ये हिंदुस्तान की बेटी का कटोरा पाकिस्तान के सरकार को काम आएगा भीख मांगने के लिए।